शरीर में कैसी भी कमजोरी हो या थकान हो, कमजोरी गलत खान पान की वजह से हो या गलत दिनचर्या की वजह से हो या बचपन की गलत आदतों के कारण हो, आप सिर्फ 4 दिन इसे पीजिए, 4 दिन में ही कमजोरी और थकान कब चली गई आपको पता भी नहीं चलेगा। शरीर में आप एनर्जी महसूस करेंगे, 60 की उम्र में भी आप 30 का महसूस करेंगे, शरीर में ऐसी चुस्ती फुर्ती आपके शरीर में आ जाएगी। इसके अलावा आँखों की रोशनी कमजोर हो रही है, जोड़ों में दर्द बढ़ रहा है या दस्त कमजोर हो रही है और शरीर में खून की कमी है तो भी आप ये वीडियो जरूर देखना, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सभी को नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप आए हैं किचन शाला में और किचन शाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, यहाँ मैंने लिए हैं अखरोट यानी कि वॉलनट। अखरोट हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, ये हमारे दिल से लेकर दिमाग तक काम करते हैं। जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए अखरोट बहुत अच्छे माने जाते हैं, कैंसर के पेशेंट के लिए भी अखरोट बहुत अच्छे माने जाते हैं। अखरोट में वो एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकते हैं। अखरोट हमारे शरीर में बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, इसलिए हार्ट के पेशेंट को अखरोट जरूर खाने चाहिए। जिन लोगों की याददाश्त कमजोर है उन्हें भी अखरोट जरूर खाने चाहिए, क्योंकि अखरोट की शेप देखिए आप ब्रेन के शेप की होती है और ये दिमाग को तेज करने का काम करता है। जिन बच्चों का दिमाग कम काम करता है उन्हें भी अखरोट जरूर खिलाने चाहिए। अगर जोड़ों में दर्द बढ़ रहा है और चलते टाइम घुटनों से कट कट की आवाज आनी शुरू हो गई है तो अखरोट आपके लिए रामबाण है। जो घुटनों में चिकनाई होती है वो धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है तो खत्म हो जाती है, अखरोट खाने से वो चिकनाई दोबारा बननी शुरू हो जाती है। तो अखरोट जिनके भी जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उन्हें जरूर खाने चाहिए। यहाँ हम 3 से 4 अखरोट की गिरी ले लेंगे। आपके पास अगर साबुत अखरोट हो तो आप उसे तोड़ के गिरी निकाल लीजिए, और मेरी तरह इस तरह गिरी हो तो गिरी ले लीजिए। और ये देखिए, दूसरी चीज ली है मैंने किशमिश। किशमिश भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। किशमिश में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और इसके साथ साथ खूब सारा फाइबर होता है। किशमिश हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करती है, और जो लोग एनीमिया के शिकार हैं, जिनमें खून की कमी है, उनके लिए तो किशमिश बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जो लोग रोज 10-15 किशमिश खाते हैं उनमें कभी खून की कमी नहीं होती, और ये आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ हम लेंगे 2 चम्मच किशमिश, ये 20-25 किशमिश हो जाएंगी। अखरोट और किशमिश को अगर आप चाहें तो 2-3 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद खाइए। लेकिन क्या होता है, हम 2 दिन भिगोते हैं और 3रे दिन भूल जाते हैं और वो प्रोसेस हमारा हट जाता है। तो इसलिए आज मैं आपको दूसरा तरीका यहाँ बताने वाली हूँ। और ये देखिए, ये तीसरी चीज ली है मैंने, देसी खांड। देसी खांड भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसका शरीर में कोई नुकसान नहीं होता। और गर्मियों में तो इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है, पेट में जो गर्मी होती है उसे भी कम करने का ये काम करती है। और अगर आपके पास देसी खांड ना हो तो आप जो मोटी धागे वाली मिश्री होती है उसे भी कूट के डाल सकते हैं। और ये लिया है मैंने 1 गिलास दूध। दूध तो अपने आप में ही संपूर्ण आहार माना जाता है। अब हम दूध को एक पतीले में डालेंगे और ये जो अखरोट और किशमिश हैं इनको भी इसमें डाल देंगे, और इसको हम 2-3 मिनट के लिए उबाल लेंगे। 2-3 मिनट में जो हमने किशमिश डाली है ये भी अच्छे से फूल जाती हैं। और अगर आप फीका दूध पीना पसंद करते हैं तो इसमें मीठा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुगर के पेशेंट हैं तो भी आप मीठा ना डालें, क्योंकि किशमिश भी मीठी ही होती हैं। और अगर मेरी तरह मीठा दूध पसंद है तो इसमें 1 चम्मच आप खांड डाल लीजिए। इसको हमने 2-3 मिनट के लिए पका लिया है, तो अब इसको डाल देते हैं गिलास में। और ये देखिए, मैंने इसको गिलास में डाल लिया है। अब जानने की बात ये है कि इसको पीना कब है। आप इसे सुबह सुबह पी सकते हैं, खाली पेट भी पी सकते हैं, या फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद ले सकते हैं। अगर आप ड्यूटी पर जाते हैं तो सुबह सुबह पी के जाइए, घर पे रहते हैं तो ब्रेकफास्ट करने के बाद भी ले सकते हैं, 10-11 बजे जब चाय का टाइम होता तो इस तरह दूध बना के ले सकते हैं। लेकिन आपने इस दूध को रात के समय नहीं पीना है, क्योंकि जो ज्यादा एनर्जी वाली चीजें होती हैं रात के टाइम में नहीं लेनी चाहिए। रात के टाइम खाना देर से डाइजेस्ट होता है।
इसलिए आपने इस दूध को दोपहर से पहले ही पीना है। आप इसे 3-4 दिन पी के देखिए और फिर देखना आपके शरीर में कैसी एनर्जी आएगी। और जब शरीर में एनर्जी होती है तो इंसान अपने आप ही खुश रहता है और छोटी मोटी बीमारी तो अपने आप ही नहीं आएंगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक थी। आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में जो बेल वाला बटन आइकन है उसे भी दबा देना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं इसी तरह की यूजफुल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।